सबसे पहले मैं हीरो को कहना चाहूंगा, मिस्टर विजय तुम्हें ये चर्बी आ गई है, देखना हो तो देखो नहीं तो मत देखो। तुम्हें भी अपनी हालत देख रहे, ओटीटी में ही काम करो, छोड़ दो थिएटर, उसी में काम करो। ये जो अंकल जी गुस्से में हैं, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गेटी गैलेक्सी एंड मराठा मंदिर सिनेमा मिस्टर मनोज देसाई। एंड जिस पर ये भड़के हैं वो है सुपरस्टार विजय देवरकोंडा। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अपनी फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान विजय ने ANI को एक इंटरव्यू में कैंसल कल्चर एंड बॉयकॉट ट्रेंड पर कमेंट करते हुए कहा, वी हैव पुट आवर हार्ट इनटू मेकिंग दिस फिल्म एंड आई बिलीव दैट आई एम करेक्ट। आई फील दैट देयर इज नो रूम फॉर फियर। व्हेन आई हैड नथिंग आई डिडंट फियर एंड नाउ आफ्टर हैविंग अचीव्ड समथिंग आई डोंट थिंक देयर नीड्स टू बी एनी फियर इवन नाउ। माँ का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, भगवान का हाथ है, अंदर आग है, कौन रोकेगा देख लेंगे। बस अब कुछ तो ट्रोल कहेंगे, ट्रोलर्स का काम है ट्रोल करना। फिर क्या था, शुरू हो गई विजय की ऑनलाइन ट्रोलिंग। एंड लोगों के अनुसार उनकी फिल्म लाइगर के फ्लॉप होने के पीछे उनके एरोगेंस का बहुत बड़ा हाथ था। अब जिन्होंने विजय के इस अलेजेडली एरोगेंट स्टेटमेंट से ऑफेंस लिया उनमें शामिल थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गेटी गैलेक्सी एंड मराठा मंदिर सिनेमा मिस्टर मनोज देसाई। उनको विजय का ये स्टेटमेंट जमा नहीं एंड उन्होंने कहा, मिस्टर विजय इट अपीयर्स दैट यू हैव ग्रोन एरोगेंट, हैव यू नॉट सीन द इम्पैक्ट ऑफ वॉच द मूवी और इफ यू डोंट डिजायर टू देन डोंट वॉच। Watch Tapsee Pannu, Aamir Khan and Akshay Kumar's struggles if the audience won't watch. I had great hopes for the movie but painful effects from the interview's words have been felt. Not to do this and never pay attention to hashtags. जब विजय को इस बारे में पता चला तो वो बिना देर किए सीधे मनोज देसाई से मिलने जा पहुंचे। And फिर क्या था? Well, सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हुए इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि मैं आपसे दो तीन बात करना चाहता हूँ। जब मैं पापा ने भेजा वीडियो, पापा ने बोला, नॉर्मली मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पर पापा ने बोला मनोज देसाई साहब भी हर्ट हुआ तुम जो बोला, एक बार जाकर एक्सप्लेन करो जो जो तुमने बोला, अगर अगर कुछ गलत बोला तो माफी मांगो। तो मैं और अभी वाली बात नहीं करता, नहीं और हमारे छोटे भाइयों कभी जिंदगी में बोलना नहीं, नहीं। और मुझे आपसे कुछ पूछना भी था, एक मेरा साइड एक्सप्लेन करना था कि पहले तो इतना अच्छा हिंदी बोलते हो, प्लस क्वालिटी है। इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला जा रहा है कि मैं आपको मेरा साइड ऑफ द स्टोरी बोला था कि मैं ऑडियंस को बस रिस्पेक्ट नहीं याद करता हूँ मैं, और 30 दिन से रिलीज से पहले मैं 30 दिन से 18 सिटीज घूमा और इतना लोग से मिला, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज दिया, मैं इतना ऑडियंस के पास जाता हूँ, पिक्चर को मार्केट करता हूँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। मैं मुझे बैकिंग कुछ नहीं है, मैं ऑडियंस से आया तो मुझे पता है कि ये लोगों का प्यार ही मुझे कुछ भी बनाया। जब मैं पहला पिक्चर किया मुझे ये बिलीव नहीं था कि 10 लोग भी देखेंगे। तो मैं जब प्रमोट कर रहा था, एक सेक्शन है जो पिक्चर को देखना नहीं चाहते, जब भी पिक्चर आते हैं मत देखो मत देखो। मैं मेरा पिक्चर में मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, एक मिडिल क्लास बॉय हूँ, मैं स्ट्रगल करके इधर तक आया हूँ और 3 साल सिर्फ यही पिक्चर पे काम किया और मेरा ड्रीम्स को रोक रहे हैं आप, तो इस इनके बारे में बोला था और वो सिर्फ एक कट करके वो फैला के क्या फैला है ये फैला के मैं जो लगता है मुझे अंदर दिल से मैं बात करता हूँ, मैं बोल दिया मैं छोड़ दिया। पर जब एक थिएटर ओनर जितना सीनियर आप है, आपको वो रीच हुआ सिर्फ वो बिट, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं, और आपको हर्ट हुआ और 2-3 ऑडियंस को जब हर्ट हुआ, मैं सोचा कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एटलीस्ट आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि रीजन मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ आज तक 2 आदमी की माफी मांगी है।
अमिताभ बच्चन, कुछ खुदा गवाह के टाइम हुआ था तो मेरे को सॉरी बोलना पड़ा था। उसके बाद आज मैंने विजय को बुलाया, आई एम वेरी सॉरी व्हाट हैज हैपेंड। क्लिप देखने के बाद पता चलता है वो तो बेचारे गरीब में गरीब आदमी कभी सोचता है, स्पोर्ट बॉय से लेके लाइट मैन से लेके यानी सारी इंडस्ट्री का सोचता है, वो ये तो सोचता है सब सुखी रहे तो मैं सुखी। आई विल कीप हिम लविंग ऑलवेज, ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर, उसकी तो उम्र ही नहीं कुछ 101% इज गोइंग टू बी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड आई प्रॉमिस हियर बाय इन दिस वीडियो आई टेक हिज ऑल पिक्चर। I wish him all the best. Vijay Bonwaj, wish you happy journey. Personally, I don't feel Vijay arrogant है. मेरा personal thought है, okay? अब out of context तो कोई भी बात बुरी लग सकती है. तो next time जब आप किसी के statement पर react करें, तो पहले जान लें कि वो एक statement या sentence की पीछे की कहानी क्या है. बाकी film अच्छी हो तो boycott trend, cancel culture, इन सब का असर नहीं पड़ता. Audience बुद्धू नहीं है. लेकिन अगर फिल्म बस सो हो तो ऑडियंस बुद्धू नहीं है. बाकी आपको लाइगर कैसी लगी, अच्छी बुरी, कमेंट करके हमें बताइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए डिजिट बिंज को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.